हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है कुरुक्षेत्र से, अब आपने अपनी दावेदारी भी पेश की थी और एक बड़ी जिम्मेदारी, लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया सर। मैं अरविंद केजरीवाल जी का, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। PAC के मेंबर्स का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कुरुक्षेत्र को बदलने के लिए, आम आदमी पार्टी इस लोकसभा सीट को टीम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होने के नाते बहुत भारी बहुमत से हम उसको जीतेंगे और कुरुक्षेत्र को विकसित करेंगे और हरियाणा के विकास के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन है, साझा उम्मीदवार हैं सर, किस तरीके की अब ग्राउंड में तैयारी रहेगी आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी हरियाणा के अंदर 10 के 10, दिल्ली के अंदर 7 के 7 सीटों को जीतेंगे और मोदी साहब की विदाई करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, BJP दावा कर रही है हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का, तो किस तरीके की तैयारी सर? भारतीय जनता पार्टी की विदाई का समय आ चुका है, आज लोग उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, अपराध इतना हो रहा है कि सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, व्यापारियों को गोली मार जाती हैं, राजनेताओं की हत्या कर दी जाती है, किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, कर्मचारी हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, महिलाओं का गैंगरेप सबसे ज़्यादा किया जाता है, बेरोजगार युवक धरने के ऊपर बैठे हैं। हरियाणा को बदलने की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिनको कुरुक्षेत्र से साझा उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार बनाया गया है। अब ग्राउंड पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, उनकी तैयारी है, वो देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।